পুজোর দিনগুলিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট এড়াতে পুজোর আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর। এ নিয়ে দপ্তরের সমস্ত অংশের কর্মীদের নিয়ে একাধিকবার বৈঠকেও মিলিত হয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রতনলাল নাথ। পুজোর দিনগুলিতে রাজ্যবাসীকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের যেন কোনো দিকে ঘাটতি না থাকে সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার সপ্তমী রাতে জিবি 79 টিলাস্থিত স্ট্যান্ড লোড ডিসপ্যাচ সেন্টারটি পরিদর্শনে যান বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। সাথে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন পরিদর্শনকালে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবায় যাতে কোনো ঘাটতি না দেখা দেয় সেই লক্ষ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক সহ দপ্তরের কর্মীরা নিরন্তরভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সপ্তমীর রাতে যে পরিমাণ বিদ্যুতের চাহিদা ছিল তা পূরণ করতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি বিদ্যুৎ দপ্তর। একইভাবে অষ্টমীর জন্য প্রস্তুত রয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর। পূজা কে সময় যে পাওয়ার কি যে আবশ্যকতা হতি হ্যাঁ পুরা তৈরি और उसको ये सुनिश्चित करना कि हर जगह ये सफिशिएंट पावर अवेलेबल हो ये यहाँ से सुनिश्चित किया जाता है। मुझे काफ़ी बताने में खुशी है कि यद्यपि इस वर्ष हम लोग फ्लड की वजह से एज वेल एज जो समस्याएं रहीं चाहे साइक्लोन आया बाकी आया उसके बावजूद ये जो कार्यकलाप शुरू हुआ हम लोगों का तैयारी शुरू हुई 2 अगस्त के हिसाब से वो हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि इस बीच में इस बार पूजा के लिए विभिन्न तैयारियां चाहे फील्ड में हमारे 132 kV सबस्टेशन को कमीशन करना हो न्यू लाइंस को शुरू करना हो या उनको चालू करना हो 66 एवं 33 kV सबस्टेशन को भी या फीडर्स को भी रेडी रखना हो और 11 kV फीडर्स को भी रेडी रखने का ये काम किया गया है। और इसी के फलस्वरूप जो तैयारी रही है यद्यपि इस बार पूजा दुर्गा पूजा अक्टूबर में शुरू में पड़ रहा है और इस टाइम हम लोग का मानना होता है अक्टूबर में पावर डिमांड ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मी काफ़ी रहती है और लेकिन उसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं यहाँ पर और हम लोगों ने जो अभी एंटिसिपेट किया है करीब स्टेट डिमांड अगर 390 MW तक भी जाता है और तब भी हम लोग इसको मीट कर सकते हैं। हालाँकि आज जो मैक्सिमम डिमांड 312 MW गया है स्टेट का हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको मीट किया और कल भी अगर ऐसा डिमांड जाता है 315-320 तक भी जाएगा या 30-40 तक भी जाता है हम लोग उसको पूरी तरह से तैयार हैं उसको मीट करने के लिए। और दूसरा इसी के साथ यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी लोग कई शिफ्ट में कार्य करते हैं और अपना हम सब तो पूजा से जुड़ा है लेकिन ये सभी लोग ये सेक्रीफाइस करते हुए यहाँ पर अपने अपने जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हुए ये लोग दिन रात कार्य कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा पूरे स्टेट में हर किसी का जो पूजा है वो या जो उनकी आस्था है वो अच्छे से गुजरे। और ये एक ब्यूरो रिपोर्ट आर ई न्यूज़।